देश और अपने प्रदेश से जुड़ी ताजा अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें एएनटी नेशनल। नीचे दिख रहे लाल बटन को दबाएं और उसके बाद साथ में दिख रही घंटी भी दबाएं। बने रहिए हमारे साथ देश और प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के साथ। नमस्कार, मैं हूं अनुराग, आप देख रहे हैं एएनटी। मध्य प्रदेश से हिसार में अफीम का नशा सप्लाई किया जा रहा है। स्पेशल स्टाफ ने दो लोगों को एक गाड़ी सहित 2.5 किलोग्राम अफीम के साथ बुधवार देर शाम को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों में मध्य प्रदेश के पीपलिया मोहम्मद जिला मदशोर निवासी गोविंद और हिसार के आर्यनगर निवासी जयसिंह है। हिसार के एसपी शिवचरण ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि मध्य प्रदेश से कोई व्यक्ति अफीम लेकर हिसार आया हुआ है, जिसके बाद पुलिस ने टीम गठित की। टीम ने मटका चौक व जाट कॉलेज रोड पर नाकेबंदी कर दी। पुलिस का कहना है कि गोविंद ट्रेन में सवार होकर हिसार स्टेशन पर पहुंचा, उसे आर्यन नगर का जयसिंह लेने आया। इसी दौरान दोनों को पुलिस ने मौके पर ही धर दबोचा। दोनों गाड़ी में सवार होकर निकल रहे थे, उनकी गाड़ी रोककर तलाशी ली तो दोनों ने पेट पर एक अंगोछा बांधा हुआ था। अंगोछे खुलवा कर देखे तो एक व्यक्ति से 1.5 किलोग्राम व दूसरे से 1 किलोग्राम अफीम पोलोथीन में बंधी हुई बरामद हुई। एसपी ने बताया कि यह नशा दिल्ली से सप्लाई किया जा रहा है और मुख्य तस्कर हर बार किसी नए व्यक्ति को अफीम की डिलीवरी देने के लिए भेजता था। कुछ घटनाएं हुई, मुख्यमंत्री जी ने जो नशा रोकने के लिए अभियान चलाया हुआ है, 4-5 डिस्ट्रिक्ट स्टेट की मीटिंग बुलाई थी। पिछले दिनों हमारे भी यहाँ कोऑर्डिनेशन मीटिंग हुई थी, डीजी साहब आए हुए थे, आईजी आए थे राजस्थान पंजाब। उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए नशा रोकने के लिए कल हमने 2.5 किलो अफीम बरामद की है, जो मध्य प्रदेश से चल के यहाँ आ रही थी। हमारे आज़ाद नगर में डिलीवरी उसको देनी थी, उसको हमने रेलवे स्टेशन से ही गिरफ्तार कर लिया। वहीं चोरी की वारदातों को लेकर एसपी शिवचरण ने प्रेस वार्ता में बताया कि शहर पुलिस ने अभी हाल ही में शहर में 20 चोरियों का सुराग लगा चोरों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। उन्होंने शहरवासियों से अपील करते हुए कहा है कि वे पुलिस का सहयोग करें ताकि शहर में चोरी जैसी घटनाओं को रोका जा सके। एसपी ने कहा कि शहर में चोरी की वारदातों को रोकने के लिए शहर में नए कैमरे भी लगवाए जा रहे हैं। हमें कुछ कामयाबी मिली है, जिसके अंदर 20 केस हमने सॉल्व कर लिए हैं चोरी के, लेकिन उनमें से जो अभी हुई है उनमें से एक दो शायद उसमें से है, बाकी पुराने केस हैं। और मेरी ये भी है सभी शहरवासियों से और व्यापारियों से भी कि थोड़ा धैर्य रखें और कोऑपरेट करें। ऐसा नहीं है कि भी कोई इसका समाधान नहीं है, हर चीज़ का समाधान है और चोरी हुई तो ट्रेस भी हो जाएगी। चोरियाँ रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं, मैंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डिप्टी कमिश्नर साहब से ही बात की है। जो हमारे सीसीटीवी कैमरे पहले लगाए हुए थे, पावर बैकअप की वजह से वो शायद बंद पड़े हैं, उनको दोबारा से चालू करने के लिए पावर का इंतज़ाम किया गया है सोलर सिस्टम से, और बैटरी का उसके लिए प्रावधान किया है, काफ़ी बजट भी सैंक्शन करवाया है। हिसार से एएनटी नेशनल के लिए प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं एएनटी नेशनल, खबर वही जो हो सही।